1 kg आइस है हम लोग के पास, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को वाटर बना देना, फेज चेंज करना भाई, स्टेट चेंज करना, ये रहा हमारा आइस का क्यूब होता ना ऐसे ऐसे 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने बना दिए वाटर, इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस है लेकिन फेज तो चेंज हो गया ना भाई। फेज चेंज करने के लिए जो हीट का इक्वेशन होता है वो होता है ml, मास ऑफ आइस 1 है, लेटेंट हीट 80 है, 1 kg है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, CGS यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं तो 10×10⁴ कैलोरी, इतनी हीट की जरूरत पड़ी होगी। चेंज इन एंट्रोपी का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू हीट डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। हीट हमारे पास आ गया 8×10⁴ और टेम्परेचर यहाँ दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 293 कैलोरी पर केल्विन दिखेगा।